नमस्कार, बड़ी खबर में पंजाब के तरन तारण की घटना। वो तस्वीरें जो सुबह से स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे पुलिस वाले एक लड़की और उसके पिता को बेरहमी से पीट रहे हैं, धक्का, तमाचा, लाठी, फिर चाटा। उसकी गलती सिर्फ ये कि वो छेड़खानी की शिकायत कर रही थी। लड़की बहादुर है, कह रही है कि वे न्याय के लिए वो डटी रहेगी। एक तरफ ये बदसलूकी तो दूसरी तरफ आज ये खबर भी आई कि 16 दिसंबर वाली निर्भया को उसकी बहादुरी के लिए अमेरिका सम्मानित करने जा रहा है। बहादुर तो हमारे देश की लड़कियां हैं ही, सिर्फ जरूरत है बदसलूकी करने वालों को सबक सिखाने की, उन्हें ऐसा करने से रोकने की। हमारी महिला कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ ने आज अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि हमारे देश में कानून की कमी नहीं बल्कि उसे असरदार तरीके से लागू करने की जरूरत है। समाज में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसकी वजह समाज में उनका असमानता का दर्जा, जिसमें महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है। तो हमारी मंत्री साहिबा को ये सब पता है। पंजाब में भी यही दिखाई दिया। तरन तारण जिले में पुलिस वालों के महिलाओं को पीटने के मामले में मैजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 3 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। एसटीएससी कमीशन ने आज वहां के एसएसपी और डीसी को तलब किया। आयोग के वाइस चेयरमैन ने कहा है कि इस मामले में जांच जल्द हो और जितने भी आरोपी पुलिस वाले हैं जिन्होंने लड़की को पीटा है उन पर आपराधिक मामले दर्ज हों। इस मामले में अब तक पंजाब पुलिस के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सवाल है, कब बदलेगा पुलिस वालों का महिलाओं के प्रति रवैया? तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं ओंकार सिंह थापर, उपाध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल, जगमती सांगवान उपाध्यक्ष आइडवा, सुखपाल खेड़ा नेता पंजाब कांग्रेस और टीआर कक्कड़ पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उनके पास जिनके साथ ये सब हुआ, वो पीड़ित लड़की जिनसे आज मैंने कुछ देर पहले बात की है। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि आपके साथ क्या हुआ, एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों के लिए। हम निशारा पनवाए इंटरनेशनल तरन तारण पैलेस विच मैरिज ते गए हुए सी। वहां पर हम मेरे साथ टैक्सी ड्राइवर ने छेड़खानी की, तो मैंने अपने बहादुर और ब्रदर नू बताया जाके के लोग मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो मेरे फादर और ब्रदर ने उनसे को जाकर पूछा कि आप मेरी सिस्टर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन लोगों ने उन पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, कृपान ने तलवारें लेकर। तो वहां पर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इतने बहुत यहां पर बहुत सारा झगड़ा हो रहा है, आप आओ इसको हटाओ। तो वहां पर पुलिस आई, उन्होंने उन लोगों ने मुझसे हमसे कुछ नहीं पूछा कि हाँ किसकी गलती है या किसने किया है ये सब। तो उन लोगों ने ये कुछ भी नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा। तो वो हमारे साथ ही झगड़ा और मुक्की करने पे लगे और मेरी उन लोगों ने चुनरी उतारी और कांटे और मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। और मेरे फादर साहब उन्होंने पगड़ी सरेआम बाजार सड़क के उत्ते रोली, फिर मेरे ब्रदर नूं भी कुट्टिया। फिर मैं कोशिश कीती बहुत उन्होंने छुड़ाउण दी, पर उन्होंने छड्डिया नहीं। उन्होंने मैनू ही थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए और डंडे लगाने शुरू कर दिए। क्या आप अपने परिवार के साथ पुलिस थाने गई थी? हाँ जी, हम गए थे। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी मैं, और उन एक प्रधान केड़ी कमेटी ने उन्होंने क्रांति सुनने वाले उन्होंने नाल गए सी, पर उन्होंने हाड़ी कोई सुनवाई नहीं करवाई। उन्होंने सामने मेरी बेइज्जती की, उन्होंने पुलिस अधिकारियों ने उन्होंने मैनू यह कहा कि लड़की की कोई इज्जत नहीं होंगी, लड़की के बाप की पग रुल गई है तो कोई गल नहीं, ओदी भी इज्जत नहीं होंगी, बस पुलिस वाले दी वर्दी दी ते पुलिस वाले दे नां दी इज्जत होंगी। पुलिस वाले थे, क्या आप उनको पहचान पाएंगे? पुलिस वाले बहुत ज्यादा थे, मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं ना तो छकले पहचानती हूँ सबकी, ना अनपछाते पुलिस अधिकारी थे, बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि कितनी गिनती थी ये पता नहीं आपको, लेकिन ये पता है कि कौन पहचान सकती हैं। अब क्या इस समय वहां पर मदद मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है, उन्होंने मैं हौसला दिता है, अजे तक कोई गल नहीं हजे हुई। पर धर्म समाज वाल्मीकि स्वामी दे वीर मैकल जी उन्होंने मेरी मदद की है, सब तो पहला
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਅਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਆ ਹੈ ਉਨ ਪਰ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਸੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਸੇ ਕਿਆ ਕੁਛ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਆਪਕੋ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਹੀ ਥੋੜੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀ 3-4। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ 3-4। ਅਬ ਆਪ ਕਿਆ ਚਾਹਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੀ ਜਾਏ। ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਐਸੀ ਘਟਨਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਤੇ,